वहीं पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता बलराज पासी ने हल्द्वानी में भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती है और देश की जनता आज पूरी तरह से भाजपा के साथ है, क्योंकि मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में देश में बड़ा परिवर्तन हुआ है। बलराज पासी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस जातीय जनगणना के नाम पर देश को बांटना चाहती है। पहले चरण में हुए मतदान से ये स्पष्ट हो गया है कि जनता भाजपा के साथ है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। प्रथम चरण में भारतीय जनता पार्टी सभी दलों से बहुत आगे है। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इस बार 400 पार एनडीए निकल कर जाएगा और उसमें निश्चित रूप से जो हमें उसमें सफलता दिखाई देती है, लेकिन प्रथम चरण के बाद जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है उसकी मानसिकता निकलकर सबके सामने आ गई है। 1947 में देश की आज़ादी के समय में सत्ता की आतुरता में उन्होंने देश के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उस समय तुष्टीकरण जो है कांग्रेस अपने चरम सीमा पर थी और आगामी वर्षों में भी कांग्रेस ने हमेशा समय समय पर उसी केवल सत्ता की प्राप्ति के लिए उसी बात को दर्शाया।